तो सभी को सबसे पहले जय श्री राम। तो भाई लोग यहाँ पर से आज के वीडियो में अपन लोग चोर निकल के भागा मूवी के ऊपर में बात करने वाले हैं। तो इस यहाँ पर से चोर निकल के भागा आज यहाँ पर से नेटफ्लिक्स के अंदर रिलीज हो चुका है और मूवी यहाँ पर से जैसे ही रिलीज हुआ मैं जल्दी से आकर मूवी को यहाँ पर से देख लिया और इस मूवी में यहाँ पर से कैसा लगा यार, किस टाइप का एक्सपीरियंस मिला और इस मूवी के अंदर क्या अच्छा है क्या खराब है, इन सारी चीजों को आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो उसके लिए इस वीडियो को एंड तक देखना यार, वीडियो आप लोग को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस यहाँ पर से मूवी के अंदर आप लोग को यहाँ पर से यामी गौतम और सन्नी कौशल यहाँ पर से लीड एक्टर्स को यहाँ पर से देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इसके बाद यार यहाँ पर से मूवी का स्टोरी आप लोग को थोड़ा सा बताने का कोशिश करता हूँ बिना स्पॉइलर के। मूवी में यार आप लोग को यहाँ पर से प्लेन देखने के लिए मिलेगा और इस यहाँ पर से प्लेन के अंदर यहाँ पर से अच्छा खासा हाईजैक हो जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर से हाईजैक होने के बाद क्या यहाँ पर से मूवी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, इन सारी चीजों को आपको बिल्कुल यहाँ पर से देख के मजा आने वाला है। और इसके साथ साथ मैं आप लोग यहाँ पर से बोलना चाहूंगा, मूवी का जो पूरा कहानी है यार उसमें से यहाँ पर से यार एक हिस्सा आप लोग यहाँ पर से अपने आप प्रिडिक्ट कर सकते हो यहाँ पर से मूवी को देखते देखते, जो कि यार यहाँ पर से कंटिन्यू बेसिस में इस तरीके मूवी देखते हैं। और जो यहाँ पर से मूवी लवर है जो काफी सारे यहाँ पर से मूवी देखते हैं और देखते हैं उनका यहाँ पर से यार स्टोरी अपने आप ही प्रिडिक्ट होने लग जाएंगे। पर यहाँ पर से पूरा स्टोरी प्रिडिक्ट नहीं होगा, काफी ज्यादा मूवी के अंदर ट्विस्ट एंड टर्न्स है कहे की, और बस थोड़ा सा आप लोग को स्टोरी पता चल जाएगा और आप लोग जो सोचोगे वही निकलेगा आगे चल के। ओवरऑल गाइस यहाँ पर से स्टोरी मूवी का काफी ज्यादा अच्छा है, पर यहाँ पर से जो मूवी को कहानी को और अच्छे से दिखा सकते थे और अच्छे डायरेक्शन के साथ में, डायरेक्शन यहाँ पर से यार ओके ओके है। और इसके बाद बात करते हैं अपन लोग स्क्रीन प्ले के एक्टिंग की, तो गाइस यहाँ पर से एक्टिंग यार मेरे को सन्नी कौशल और यामी गौतम दोनों का ही उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा, ऐसा लगा यार कि वो लोग जानबूझ के यहाँ पर से एक्टिंग कर रहे हैं, इस टाइप का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो यार स्क्रीन प्ले भी यहाँ पर से एवरेज लगा। बात करें मूवी के अंदर सॉन्ग्स के, तो मूवी में यार मेरे को तो याद नहीं आ रहा सॉन्ग्स आया कि नहीं आया है, एक सॉन्ग था वो भी यहाँ पर से ठीक ठाक था, उतना ज्यादा मूवी को सॉन्ग्स अच्छा नहीं लगा। देन यार यहाँ पर से मूवी के अंदर आप लोगों को शरद किलकर भी पुलिस वाले के रोल में देखने के लिए मिलेंगे, जो कि यार अपने रोल को यहाँ पर से काफी ज्यादा अच्छा खासा यहाँ पर से निभाया है। और जैसे यार यहाँ पर से शरद किलकर के रोल को और बड़ा यहाँ पर से कर सकते थे और यार उनको यहाँ पर से और अच्छे से यूज किया जा सकता था, जो कि यार यहाँ पर से डायरेक्टर ने मूवी के अंदर उनका अच्छा यूज उतना ज्यादा नहीं किया है। तो ये सारे चीजें थे यार मूवी के बाद। और उसके बाद जैसे यहाँ पर से ओवरऑल आपको बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पर से वन टाइम मूवी यहाँ पर से देख सकते हो, मूवी आप लोग को बोर नहीं करेगा यार, मूवी यहाँ पर से ना एकदम ज्यादा अच्छा है ना एकदम ज्यादा बुरा है, आप लोग मूवी को बार एक बार आराम से जाके देख सकते हो। तो गाइस फिलहाल आज के वीडियो के लिए तो इतना ही था यार, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और गाइस ऐसे वीडियोस के लिए यार जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से ऑल पे कर लेना। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद वंदे मातरम।